Classification of classification is grouping of the organisms in different groups according to बैठो बेटा बिल्कुल ठीक है ग्रुपिंग ऑफ जिसको नहीं पता वो लिख भी लो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ठीक है बरगाड़ी स्टूडेंट्स मैंने इधर अनाउंसमेंट कर दी है फरीदकोट तो कर दी थी आपको भी कि इस सैटरडे यू आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट फ्रॉम योर एसए वन सिलेबस एमसीक्यू टेस्ट होगा जो भी हमने यहाँ पे कराया उसमें से होगा 20 क्वेश्चन मैथ एंड 20 क्वेश्चन साइंस टाइमिंग्स आपके जो कोऑर्डिनेटर है वो बता दें इज इट ओके ठीक है ये कर हाँ जी नेक्स्ट फरीदकोट व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन जल्दी से कौन बता रहा है हाँ जी दरवाजे की तरफ से बेटा लास्ट रो में जो गर्ल्स बैठी हैं आगे आके सर जल्दी से बताओ हाँ आ जाओ आगे आ जाओ वन गर्ल फ्रॉम द लास्ट बेंच कम नियर द माइक जल्दी से क्विक हाँ जी व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन बेटा यस हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन स्टडी तो ठीक है बेटा बट हमें क्लासिफाई हमें ग्रुपिंग की करने की जरूरत क्यों पड़ी एनीबडी एल्स हाँ कुछ और आंसर देना चाहोगे बेटा बैठो अब बैठो व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन बेटे क्योंकि देयर आर सो मच डाइवर्स ऑर्गेनिज्म पहले सुन लो देयर आर सो मच डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स 0.5 मिलियन एनिमल्स है 1.5 मिलियन सॉरी आई एम सॉरी 0.5 मिलियन प्लांट्स है 1.5 मिलियन एनिमल्स है एंड वी कैन नॉट स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली सो We study organism in groups. Those organisms which have similar characteristics, external characters and internal characters, which are similar, they are placed under one group. So we study the group, and by studying the characters of the group, we can identify कि ये organism इस group को belong कर. Am I right? ठीक है. So why do we need classification? लिख लो. Because There are present millions of organisms and we cannot study each and every organism individually. Therefore, yaadav ji mujhe inki file la do. Therefore, the organisms with similar characters are grouped together. को बताओ अगर रेड लाइट नहीं है कई बार आईपी में प्रॉब्लम आ जाती है देयरफॉर ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड अंडर वन ग्रुप देयरफॉर इन क्लासिफिकेशन We study the characteristics of the groups. And not the individual organism. And not the individual
क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, टेल मी, हैव यू स्टार्टेड दिस चैप्टर इन योर स्कूल आल्सो? नो मैम। यू हैवंट स्टार्टेड? नो मैम। कहीं पे भी नहीं आपने दोनों सेंटर्स में, बरगाड़ी में भी नहीं ये शुरू किया? नो मैम। एंड फरीदकोट आल्सो यू हैव नॉट स्टार्टेड? सो विच चैप्टर हैव यू स्टार्टेड इन साइंस? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स यू हैड स्टार्टेड? यस मैम। एंड बरगाड़ी आल्सो? यस मैम। और फिजिक्स भी शुरू की है कि नहीं? यस मैम। अच्छा, सारे इकट्ठे नहीं चलते, वन बाय वन, मतलब अभी आपने केमिस्ट्री शुरू किया। ओके, जो चीज मैंने पढ़ाई है वो आपको समझ में आई है कि नहीं? अच्छा, बरगाड़ी में यू हैड स्टार्टेड विद फिजिक्स, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड ऑल, राइट? ओके, ठीक है। चलो, जो मैं समझा रही हूँ वो आप समझने की कोशिश करना, जो नहीं आएगा, ताकि वेन एवर यू स्टडी इन योर क्लास यू विल क्विकली अंडरस्टैंड दैट, दिस इज अवर मोटो ओनली। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, what are the various types of classification? One is artificial classification, another is natural classification, and third one is phylogenetic classification. There are three types of classification. Artificial classification, natural classification, and phylogenetic classification. Artificial, पहले समझना है फिर लिखना बेटा, अभी pens down. Concentrate eyes and ears on the screen. Artificial classification, that is classification, ध्यान से मेरी बात, classification is also called as grouping, classification or grouping of organisms based on external characters and habitat. Do you know what is habitat? Where the organism lives, that is habitat, right? So, artificial classification, it was first proposed by Aristotle in animals and Theophrastus Aristotle and Theophrastus, both are biologists. Theophrastus in plants. Right? इसी के ही बारे में बता रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट नेचुरल बट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में ही हम बता रहे हैं, दैट इज एरिस्टोटल classified animals into, देखो, E-Nyma and E-Nyma,
ये सब ग्रीक वर्ड्स है, इनाइमा एंड एनाइमा, इनका क्या मतलब है? बरगाड़ी इधर ध्यान दो बेटा, एनिमल्स विद आरबीसीज, व्हाट आर आरबीसीज? ब्लड सेल्स. एंड एनाइमा मींस एनिमल्स विदाउट आरबीसीज. वेरी गुड. Right? So Aristotle classified animals into enaima and anaima. ठीक है? और उसके बाद Theophrastus classified plants. Into herbs, shrubs and trees. You know herbs are very small plants. उसके बाद herbs वो होती है जिसमें woody tissue नहीं होता. Shrubs small plants having woody tissues and trees are the large plants having lot of woody tissue. Right? पता है ये तीनों के बारे में? Do you know the differences between the tree? Yes. Right? Then there are, ये तो पहली बार हमने बताया कि पहली बार इन्होंने किया, but there are many different types of artificial classification. For example, aquatic animals and large animals. ठीक है? Aquatic animals में, if you see, that fishes and whales are grouped together. Insects, birds, and bats are grouped together. इनमें बेटा बहुत differences है. Artificial classification का main drawback है that different organisms are grouped together. For example, first है ये, second और भी बहुत है, but these are the common. Can you tell me what are the differences between the fishes and whales? Anybody? Okay, ये भी बनता है. पानी बेटा ये हमारी तरफ से ही गलती से ऑफ हो गया था. ठीक है? आदिश, आदिश बंसल, फरीदकोट. आदिश आगे आ जा बेटा, आगे आ जाओ माइक के पास. बेटा डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन फिशेस एंड व्हेल्स? कि ये ठीक था, दोनों को इकट्ठे ग्रुप कर दिया. इज इट राइट? हाँ जोर से बोलो. हाँ नहीं, दे आर डिफरेंट. हाउ दे आर डिफरेंट? हाँ जी कोट कपूरा, हेलो, आर यू लिसनिंग मी? चलिए थैंक यू, शुक्र है भगवान का. थैंक गॉड, से थैंक्स गॉड, वी आर कनेक्टेड. चलो हो जाता है स्टेबल. चलो बेटा जो हम डाइवर्सिटी हमने शुरू की हुई है, जो थोड़ी सी चीज है वो मैं आपको बाद में भी बताऊंगी, अभी भी आपको समझ आ जाएगी जो मैं समझाने लगी. ठीक है? हाँ जी आदिश, थोड़ा सा जोर से और बिल्कुल माइक के सामने आके बोल बेटा, टेबल के आगे आके इनकी थोड़ी बोले. हाँ जी बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिशेस एंड व्हेल्स? यू सेड दे आर डिफरेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? व्हेल्स आर मैरो थैंक यू.
बिल्कुल बात ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड आदेश. सो एवरीबडी शुड यू शुड नो. बैठो बेटा सीट पे जाओ. दैट फिशेज आर द फिशेज बट व्हेल्स आर नॉट फिशेज. यू कैन से इफ एनीवन आस्क यू द डिफरेंस देन यू शुड राइट दैट व्हेल्स आर नॉट फिशेज, व्हेल्स आर मैमल्स. बता सकते हो बेटा पर गाड़ी में कि व्हेल्स को मैमल्स क्यों कहा है? पानी में रहती है, पानी में स्विम करती है. बट व्हाट इज द मेन करैक्टरिस्टिक ऑफ व्हेल ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड एज मैमल? क्या बेचारों ने जुल्म कर दिया कि फिश नहीं कहा? हाँ जी कोट का पूरा में पता है पर गाड़ी में कौन बता रहा है? हाँ जी हाँ जी बेटा, पर गाड़ी में एक लड़की का हाथ खड़ा है. बच्चे आगे आके because they have mammary glands. बिल्कुल ठीक है, very good, very good. बैठो. So because males have mammary glands. Mammary means milk glands. They have milk glands. सिर्फ mammals में ये property होती है that they have milk glands. बाकी किसी में कोई property नहीं होती milk glands की. सिर्फ mammals अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं. बाकी कोई जानवर, दूसरे जानवर जैसे बर्ड्स है वो अपने बच्चों के मुंह में दाना जरूर डाल देते हैं बट उनके कोई मेमोरी ग्लैंड्स नहीं है, वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते. ठीक है. अच्छा बेटा एक मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है. एवरीबडी शुड राइट डाउन के एडुकॉन डॉट कॉम. के एडुकॉन डॉट कॉम ये साइट नोट कर लो. इसमें इसमें पहले आपको मीडिया कनेक्ट करना है और फिर वीडियो कनेक्ट करना है. Then you should connect video. ठीक है. एक मिनट स्पेलिंग मैंने बस स्पेलिंग इच्छा है उल्टा लिख दिया. आपको पहले kadupon.com पे जाके मीडिया पे जाना है. मीडिया के बाद आपको वीडियो और वहाँ पे हमारे किसी दिन भी अगर लेक्चर किसी कारण कनेक्टिविटी के कारण मिस होता है ठीक है तो यू कैन वी ऑलवेज अपलोड द लेक्चर्स. तो आपने इन लेक्चर्स पे वीडियो में जाके लेक्चर्स जो है वो आपने देख लेना. इज इट ओके? पता चल गया सबको? ठीक है. मोबाइल पे टैब्स पे आजकल सबके पास, आपके पास स्मार्टफोन्स है, टैब्स है, कंप्यूटर्स है, तो वो जाके एक थोड़ा सा रूटीन बना लो कि भी अगर क्लास मिस होती है तो आप जाके जूम कनेक्ट करो और वो देख के आओ नेक्स्ट. राइट ठीक है. तो बेटा हमने लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन की थी और क्लासिफिकेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. राइट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में वी आर कंसीडरिंग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. फर्स्ट अभी नोट कर लो ये सारा जो है हमने किसके बारे में किया है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. This is artificial classification और ये है drawback. Artificial classification में हम क्या करते हैं? ये लिख दिया, ये है drawback. Drawbacks of artificial classification. Drawbacks of artificial classification. जल्दी से without making any noise. एकदम जल्दी से. Yes, sir. 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 Yes, sir
बरगाड़ी में बेटा बॉयज पीछे बातें नहीं बेटा, बिल्कुल बातें नहीं, एकदम गर्दन सीधी करके सिर्फ स्क्रीन की तरफ और मेरी बात सुनिए। आर यू डन स्टूडेंट्स? जी कोड को पूरा कर लिया बच्चों? ये वाला कर दूँ रहा? नेक्स्ट आ जाता है बेटा नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स, ध्यान से सुनना है पहले, ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल करैक्टर्स। वी सी देयर सिमिलैरिटीज इन द एक्सटर्नल करैक्टर्स एज वेल एज इंटरनल करैक्टर्स ऑल्सो। कैसे उनकी बोन्स कैसे अरेंज है, अगर ब्रेन्स है उनके सिस्टम्स कैसे कैसे पड़े हुए हैं इन साइड द बॉडी, दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन। एंड रिमेम्बर दैट फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट का नाम था बेंथम एंड साइंटिस्ट वॉज बेंथम एंड। ठीक है जी, लिख लो ये चीज क्विकली, राइट डाउन। हाँ जी बेटा आगे आके बता, आगे आगे पूछ लो। हाँ इंटरनल करेक्टर यू डेफिनेटली नो, बट ये बेटा हम एक्सटर्नल क्योंकि जरा सा ब्लड देख के पता चल जाता है, हमने इसलिए इसको एक्सटर्नली क्लासिफाई, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा बॉडी को डाइसेक्ट नहीं करना पड़ता है, राइट? ब्लड निकाला माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और साथ ही पता चल गया अभी इनेमा है या एनेमा, राइट और नॉट? दैट्स व्हाई इट इज क्लासिफाइड एज एक्सटर्नल करेक्टर। वी डोंट हैव टू सी एनी सिस्टम और एनी डाइसेक्शन ऑफ द बॉडी। एंड द थर्ड वन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन।
यहाँ पे यू शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय फाइलोजेनी. फाइलोजेनी मीन्स it means evolutionary history of the organism. History of the organism. कैसे कैसे evolution में कैसे कैसे organism की development हुई है. You know, आपने शायद कभी social studies में या कभी पढ़ा हो कि humans की evolution कैसे हुई है. हम generally हमारे घर में कह देते हैं कि इंसान बंदरों से बना है, but नहीं, ये तो concept ही गलत है. इंसान बंदरों से नहीं बना, but monkeys एक common ancestor था. ड्यू टू एवोल्यूशन किसी भी कारण से एक हम ब्रॉडली कहते हैं वन लाइन फॉर्म्ड मंकीज, अनदर फॉर्म्ड एप्स. कुछ रीजन में एप्स बन गए और कुछ ऐसे चेंजेस हुए कि कुछ ह्यूमंस बन गए. तो वी डोंट से दैट ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम मंकीज, बट वी कैन से दैट मंकीज एप्स एंड ह्यूमंस हैव कॉमन एंसेस्टर. You get me? ठीक है, तो evolution हुई एकदम, ये नहीं कि धरती बनी और humans ऊपर से टपक पड़े, ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, तो humans तो बहुत बाद में आए, उससे पहले तो बहुत सारी life forms आई, धीरे 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 changes होके humans gets evolved. That is evolution. तो अब जितने भी organisms है उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अगर हम देखते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स बहुत डिफरेंट हैं, बट अगर हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं तो वो कॉमन एंसेस्टर्स है बहुत, और एक टाइम पे आके दो डिफरेंट ग्रुप्स बन गए, राइट. सो दोज ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो प्लेस्ड इन सेम. ठीक है, सो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनी मीन्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, एंड यू कैन से it is according to this classification, many different organisms due to their common evolution, common evolutionary history, are placed together. Right? This is phylogenetic classification, and this is most suitable classification. Suitable and authentic classifications. Most suitable and most authentic classifications. Note down this. So, कोर्ट को पूरा स्टूडेंट्स आप भी अपने असाइनमेंट निकाल लो. डू यू हैव योर असाइनमेंट्स और नॉट? आपके पास है ही नहीं है असाइनमेंट की, आप लेके नहीं आए आज, लेकर नहीं आए, आपको मिली जरूर होगी क्योंकि ये बहुत पुरानी असाइनमेंट है. ठीक है, देखना घर जाके देखना है, और अगर नहीं तो अपने टीचर्स को कहना कि नाइन्थ की मैंने एक ही असाइनमेंट अभी तक भेजी है कि साइंस की असाइनमेंट आपको मिल जाए. ठीक है जी, चलिए एक बार ये रीड कर लो मैंने क्या करवाया जल्दी से.
ठीक है बच्चा, मैं ये रब कर दूं, आर यू डन विद दिस, यस और नो? Next is kingdom system classification. Kingdom system classification. Organisms are classified into, or you can say similar organisms are classified into big groups called as kingdoms. Called as kingdom. So first we say two kingdom classifications. It was proposed by Linnaeus. Two kingdom classification was proposed by Linnaeus. He grouped all organisms into kingdom plantae and kingdom animalia. Kingdom plantae and kingdom animalia. Beta, have you heard about fungi? Can you give me any example of fungi? Mushroom, है ना? Mushroom is a fungus. ध्यान से सुनो, अभी लिखना नहीं जो मैं लिखवाने लगी हूँ. फंगस सच एज मशरूम. विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन फंगस? ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक? हेटरोट्रॉफिक. डू यू थिंक दैट फंगस इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स? Yes or no? Yes or no? No. Not differentiated into root, stem and leaves. Do you think fungal cell has chloroplast? No chloroplast. When it is not photosynthetic, it doesn't have any chloroplast. No chloroplast. Do you think cell wall is present in fungal cell or not? Yes or no, Bargadi? Hanji Bargadi students, fungi mein cell wall hoti hai ke nahi? होती है. देयर इज प्रेजेंट सेल वॉल. सेल वॉल प्रेजेंट इन फंजाई
एंड इज फॉर्म्ड ऑफ यस फॉर्म्ड ऑफ विच केमिकल काइटिन फॉर्म्ड ऑफ काइटिन इफ वी से प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक हैव रूट स्टेम और लीव्स और नॉट रूट सभी में तो नहीं होती बट इन जनरल हम कहेंगे रूट स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट हैज क्लोरोप्लास्ट और नॉट हैज क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल प्रेजेंट एंड इज फॉर्म्ड ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट एंड इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्स Is there any similarity between plants and fungi? Only one similarity that cell wall is present. Due to presence of cell walls, can we group fungi and plants together? Sirf ek similarity ke karan, can we group them together? नहीं इट इज नॉट वाइज टू ग्रुप देम टूगेदर ओनली ड्यू टू वन सिमिलर करेक्टर अदरवाइज दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर राइट बट टू किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ड्रॉबैक फर्स्ट ये थी कि ऑल्दो प्लांट्स एंड फंजाई आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर But are grouped together in kingdom plantae. It has bacteria, it has fungi, it has plants. So only due to presence of cell wall, the fungi are grouped along with plants. Right? Then second thing. Bacteria is prokaryotic. Fungi and plants are eukaryotic. And up to this stage, you know the difference between prokaryotic and eukaryotic. Yes or no? Yes, you know the differences between prokaryotes and eukaryotes. Right? So, bacteria are also placed along with the other eukaryotes. So, what is another drawback? That no differentiation. Of PK is prokaryotes and EK is eukaryotes. Right? So no differentiation. These are the drawbacks of two kingdom classification that there is no differentiation of prokaryotes and eukaryotes. See here, kingdom Animalia. It includes animals. It includes protozoans. Such as amoeba. Animals, these are multicellular, whereas protozoans are unicellular organisms. So, another drawback. Unicellular and multicellular organisms are placed together. These are the drawbacks of two kingdom classification. ठीक है? लिख लो ये. Write down quickly. Two kingdom classification. Proposed by Linnaeus, he divided organisms into two kingdoms, kingdom Plantae, kingdom Animalia. और फिर drawbacks मैंने आपको बता दिए जल्दी से
हो गया बच्चों? डन स्टूडेंट्स, आगे चले। यस मैम। बोलते नहीं हो, यस और नो? यस मैम। नो मैम। नो मैम। उसके बाद सेकंड है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, सिर्फ साइंटिस्ट बताएंगे। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय कोपलैंड। देन थर्ड इज फोर किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय हीकल। एंड another is five kingdom classification proposed by Whittaker. which is followed nowadays. five kingdom classifications. ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप असाइनमेंट में, व्हाट आर द वेरियस क्राइटेरिया ऑन विच फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड। ठीक है, तो हम जो है यही वाला आपको करवा रहे हैं। तो यहाँ तक लिख लो पहले जल्दी से, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर। बातें बिल्कुल नहीं बेटा, बातें नहीं। सो he classified organisms based on first criteria beta cell structure. cell structure jo hai it is of two types. आपको दिख रहा है, ये रेड पेन दिख रहा है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स these are placed under kingdom monera. all prokaryotes kaisa bhi ho, all prokaryotes are placed under kingdom monera. so first kingdom aa gaya monera. second criteria hai based on cell number।
Eukaryotes are further divided into two groups. Unicellular eukaryotes and the other one is, jaldi se, multicellular eukaryotes. Second criteria is cell number. All unicellular eukaryotes, these are placed under kingdom Protista. All unicellular eukaryotes are placed under kingdom. Pehla kingdom humne kiya Monera. Second kingdom is kingdom Protista. Then third one, multicellular eukaryotes. The third criteria is mode of nutrition. Mode of nutrition. It can be autotrophic. It can be, आगे खुद लिखना है, हेटरोट्रॉफिक, एब्सॉर्प्टिव. एंड द थर्ड इज हेटरोट्रॉफिक इनजस्टिव. हेटरोट्रॉफिक एब्सॉर्प्टिव एंड हेटरोट्रॉफिक इनजस्टिव. All autotrophic organisms, these are placed under kingdom. जल्दी से बताओ क्या कौन से हो सकते हैं? बोलो, autotrophic organisms कौन से होते हैं बच्चे? Plants, तो kingdom plantae. Kingdom plantae. इन organisms में heterotrophic absorptive nutrition होती है. जोर से बोलो जल्दी से. फंजाई, फंजाई क्या करती है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करती है कि नहीं? मीडियम में डाइजेशन करती है और डाइजेस्टेड फूड फिर एब्जॉर्ब होता है. सो इट इज किंगडम, बोलो जल्दी से, फंजाई. और फिर जल्दी से यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स इंजेस्टिव न्यूट्रिशन करते हैं? Animals. So here is kingdom animal. Here is kingdom animal. So now, जल्दी से बताओ मुझे कौन से पांच kingdoms है? First है kingdom Monera. Then second is kingdom. Then third is kingdom. Then and then. जल्दी से रिपीट करो, पांच किंगडम्स कौन से है? फर्स्ट मोनेरा, सेकेंड प्रोटेस्टा, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. अच्छा, आप आंखें बंद करके रिपीट करो जरा जल्दी से. मैं बोलती हूँ आंखें बंद करो, कॉपीज और बोर्ड मत देखो. फर्स्ट किंगडम प्रोकैरियोट्स की यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स. सेकंड किंगडम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स. यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर. थर्ड किंगडम प्लांटी, यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर ऑफ सेल्स, मल्टी सेल्स. देन फोर्थ किंगडम, नंबर ऑफ सेल्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्टिव. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक. एंड लास्ट किंगडम इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक. नंबर ऑफ सेल्स,
मल्टीसेलुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेस्टिव. नाउ ओपन योर आईज. ठीक है, समझ में आया ये चीजें. पांच किंगडम्स आपको पता चल गए. कौन से पांच किंगडम्स है? थ्री बेसिस है क्लासिफिकेशन के. फर्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर, सेकंड इज नंबर ऑफ सेल्स, थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जल्दी से रिपीट करो, थ्री क्राइटेरिया कौन से है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के? बिल्कुल ठीक है. अब आपको बेटा यहाँ तक पता चल गया. ठीक है, तो यहाँ तक अभी किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लासिफिकेशन का मतलब पता चल गया आपको, क्या है क्लासिफिकेशन? ठीक है, एंड मैंने तुम्हें जनरल फीचर्स भी ऑर्गेनिजम्स के बता दिए थे, टर्मिनोलॉजी बता दी थी, बताई थी कि नहीं? व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सोनॉमी? डू यू नो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? लिख लो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन, लिख लो. TA taxonomy is TA XONOMY. Taxonomy. It is the branch of science. It is the branch of science which deals with studying the characters of different organisms. Studying the characters of different organisms and classifying these organisms into various groups. Is it okay? Right? ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने करवाया है. और अब आपके स्कूल में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चल रहा है बेटा. इसके आगे एक पार्ट, इस चैप्टर का एक पार्ट हो गया. नेक्स्ट पार्ट हम बाद में करेंगे, बट वी विल स्टार्ट विथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट टाइम. इज इट ओके? ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपका होमवर्क ये तो पढ़ना ही है. दूसरी चीज, जो भी आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा हुआ है वो अगली बार पढ़ के आना है, ताकि मैम कुछ एक्स्ट्रा कराए तो आपको पता चले कि भाई ये चीज़ हमें समझ में आ गई है. और जो उस चैप्टर में से डाउट्स है वो आपने लिख के लाने हैं, ताकि वो आप टीचर से पूछ सको. इज इट ओके? राइट, तो बाकी का जो बायो वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट टाइम, मतलब आपके केमिस्ट्री वाले चैप्टर के हम बाद में करेंगे. हाँ जी सर. ओके सर. मैम आपने कल भेजी थी मित्तल से? ठीक है सर, मैं आज ही भेज दूँगी, मतलब विद इन वन और हाफ आवर आई विल सेंड. यस. सर 9th 10th दोनों के भेज दें कि सिर्फ 10th की ही भेजें? ऑल द 9th और 10th दोनों. ओके सर, थैंक यू. चलो बेटा फटाफट से 2 मिनट खुद ही आंखें बंद करो, अपने साइंस वाली नोटबुक पैक करो, मैथ्स वाली निकाल, खुद ही. बार बार नहीं हम करेंगे, अपने आप मोड चेंज किया करो ना, साइंस टू मैथ्स. अजी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आप लोग लाए हैं 9th वाले बैठो बैठो फट असाइनमेंट लाए हो जो लास्ट टाइम दी थी रेशो प्रोपोर्शन की? डू यू हैव द असाइनमेंट ऑफ रेशो प्रोपोर्शन विद यू? बरगाड़ी में नहीं है? आप लोगों को मिली नहीं थी, आप लाए नहीं आए आज? बच्चों एक बात मैं आज इनको ये चीज क्लियर कर दूं, एंड इट शुड नॉट रिपीट.
जो असाइनमेंट आपको मिली है अगर वो उस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस नहीं हो पाई है, यू आर सपोज टू कैरी इट विद यू इन द नेक्स्ट क्लास. राइट स्टूडेंट्स, टुडे इट इज ओके इफ यू डोंट हैव, आई विल डिक्टेट द क्वेश्चन, बट व्हाट हैपेंस इफ आई डिक्टेट द क्वेश्चंस, इट इज जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग एल्स. सो इफ यू हैव दैट मटीरियल विद यू, यू कैन रीड इट एंड यू कैन डू द क्वेश्चंस. So that saves a lot of time. The purpose of giving the assignment is this only कि आप एक तो पहले उसको जाके कुछ देखें घर पे, क्योंकि ये सब टॉपिक आपने किए हुए जस्ट फॉर द रिविजन सेक वी आर डूइंग इट. घर जाके किसी ने खोल के देखी थी असाइनमेंट, करी है आप लोगों ने? ओके, चलो बिफोर दैट 2 मिनट के लिए सब लोग अपनी पहले आईज क्लोज करो, स्ट्रेटन योर बैक एंड हैव थोड़ा सा साइलेंस यहाँ पर. सो मत जाना. Okay, come back to your work. सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों का स्कूल में SA 2 के कौन कौन से चैप्टर्स कवर कर चुके हैं? कौन से SA 2 के चैप्टर आप कर चुके हो? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल. 2 वेरिएबल. शी सेज ओके 2 वेरिएबल. हाँ जी, और कुछ? वी हैव स्टार्टेड क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर. वी हैव डन फर्स्ट एक्सरसाइज, नॉट फुली. क्वाड्रिलेटरल्स यू आर स्टार्टेड. ओके, और आप लोगों ने फिफ्थ कोर्ट में सेव. ओके चले जी, लास्ट क्लास में हमने कुछ बात की थी रेशोज के बारे में. तो पहले मुझे सबसे पहले ये बताओ, अगर मुझे एक रेशो दी हो और मुझे उसकी सब डुप्लीकेट रेशो निकालनी है तो क्या करना है? सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ रेशो क्या था? इफ रेशो इज ए इज टू बी, व्हाट इज इट्स सब डुप्लीकेट रेशो? हाँ जी बोलिए, व्हाट इज इट्स सब डुप्लीकेट रेशो? रूट ए रूट बी. हाँ जी, अगर आपको ए इज टू बी की ट्रिप्लीकेट रेशो लिखनी है तो A cube triplicate bola maine, sub triplicate nahi, triplicate ratio. Triplicate ratio is going to be A cube is to B cube. Ab agar mere paas ho A by B is equal to C by D. ठीक है जी, मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो क्या आएगा मेरे पास? बोल चल मी, यूज करते होंगे आप कंपोनेंडो डिविडेंडो? ऐसे होना तो नहीं चाहिए कि आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज नहीं किया. हाँ जी, दोनों सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं किसी ने यूज किया कभी कंपोनेंडो डिविडेंडो? ओके, तो लिखो फिर क्या है कंपोनेंडो और क्या है डिविडेंडो. Thank you.
अगर हमारे पास ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, मतलब ए बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन ए प्लस बी बाई डी विल बी सेम एज सी प्लस डी बाई डी. मीन्स न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया ऑन बोथ द साइड्स एंड कैप्ट द डिनोमिनेटर इज सेम. इफ आई अप्लाई दिस, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो. This is by Componendo. Say, I have 1/2 same as 2/4. Apply the Componendo and see, does this equality still maintain or not? One plus 2/2 is equal to 2 plus 4/4. 3/2, this is 6/4, which is again 3/2. So this ratio will remain same if I add the numerators, add the denominators into the numerator. Then if I do a upon a minus b, and here I do c upon c minus d. Or for that matter, I do A minus B by D, C minus D by D. Numerator में से denominator को subtract कर दो, या तो फिर denominator में A minus B, same operation should be carried on both the sides, that's it. Numerator में से denominator को subtract कर रहे हो, add कर रहे हो, या term को आप denominator में ले आओ, in all the cases, ratio is going to be same, equality will be maintained. This is called by dividendo. As per your requirement, अलग अलग भी लगाए जा सकते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, और एक साथ भी अप्लाई. अब देखते हैं जरा, अगर मुझे कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ लगाने हैं, look at it and if this. If I apply Componendo and Dividendo in one step, what will I get from here? A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D. So, on this ratio, if I apply Componendo and Dividendo both, this will be my end result. A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D. अभी तक हो सकता है आप लोगों ने इसे यूज नहीं किया हो, लेकिन अगर कोई गलती से प्लस वन में मैथ्स लेने में इंटरेस्टेड है हायर क्लासेस में, तो दिस इज समथिंग दैट विल बी वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड. कंपोनेंडो डिविडेंड. चलिए जी, आप जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं. लिखिए जी, क्वेश्चन लिखो. देखो जी, फाइंड द कंपाउंडेड रेशो. कंपाउंडेड रेशो क्या थी? अगर एक रेशो है ए इज टू बी और दूसरी है सी इज टू डी, इनकी कंपाउंडेड रेशो निकालने को बोलो तो क्या बोला जाए, क्या निकालना है? AC is to BD. Antecedent को antecedent से मल्टीप्लाई और consequent को consequent से मल्टीप्लाई. बरगाड़ी में boys last two rows. हाँ जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम है? Right from the beginning, you are not concentrating. कोई प्रॉब्लम है बच्चे? Especially second last bench. You have to find compounded ratio of duplicate ratio of 5:6, compounded ratio of duplicate ratio of 5:6,
reciprocal of 25:42 इसकी duplicate ratio, second की reciprocal ratio और third है मेरे पास 36:49 इसकी सब duplicate ratio. इन तीनों रेशोज का कंपाउंडेड रेशो एज अ रिजल्ट आई वांट. यस हाँ जी ओके ओके हाँ जी इसकी डुप्लीकेट रेशो चाहिए इसकी रेसिप्रोकल रेशो इसकी सब डुप्लीकेट रेशो और फिर उन तीनों का कंपाउंडेड रेशो. जल्दी से बोलिए क्या आंसर बन रहा है. बातें करने को नहीं कहा काम करने को बोला है. जल्दी बता दो क्या आया आंसर. 1:1 या कुछ और. चलिए जी बरगाड़ी से मिडिल रो में फर्स्ट बेंच पे जो लड़की बैठी है बताओ बेटा डुप्लीकेट रेशो 5:6 25:36 फरीदकोट कॉर्नर में जो लड़की बैठी है बिल्कुल इधर दरवाजे वाली साइड में फर्स्ट बेंच पे बोल बच्चे रेसिप्रोकल रेशो 25:42 एक दूसरे को धक्के ना मारो कोई सा खड़े हो जाओ दोनों से करना क्या है इसकी रेसिप्रोकल रेशो ही तो बतानी है. हाँ जी रेसिप्रोकल रेशो 25:42 बैठ जाइए बॉयज फर्स्ट रो गर्ल्स के साथ वाली जो रो है फर्स्ट बेंच सब डुप्लीकेट रेशो 36:49 6:7 और आपको क्या चाहिए इनकी कंपाउंडेड रेशो. कंपाउंडेड रेशो का मतलब आई वॉन्ट 25:42:6:36:25 So answer is 1:1. Next, likhiye. If 2x+3, if 2x+3 is 2, 5x minus 38 be the duplicate ratio of √5:√6. This is the duplicate ratio of √5:√6. What is the value of x? हाँ जी बोलिए जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स.
बॉयज फरीदकोट बिल्कुल लास्ट में कॉर्नर में जो था लड़का बैठा उठ जाओ बच्चे हाँ बेटा मुझे दिया है दिस 2x + 3 अपॉन 5x - 38 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ √5:√6 इसका मतलब दिस इज इक्वल टू व्हाट √5:√6 और 5:6 और 25:36 व्हाट 5:6 इसका डुप्लीकेट रेशियो दोनों को स्क्वायर करके आ रहा है सो दिस इज इक्वल टू 5/6 अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकालनी है निकाल बच्चे फटाफट और मुझे बताओ x की वैल्यू क्या है हाँ जी सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 60 असाइनमेंट निकालो जो टेक आउट योर असाइनमेंट एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख रही हूँ बरगाड़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 सेज x² + 4y² इज इक्वल टू 4xy You have to find the ratio x is to y. x² + 4y² = 4xy. You have to find ratio of x is to y. जिसका आंसर आ जाएगा वो जरा आप खड़ा कर लो हाँ जी बोलिए फरीदकोट से एक आंसर आ रहा है हमारे पास लास्ट में बेटा बच्चा बैठा है 2:1 इज करेक्ट कैसे किया बेटा यहाँ पर x² + 4y² - 4xy = 0 आई कैन राइट सो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है ये x - 2y = 0 x = 2y सो x/y इज नथिंग बट 2/1 तो हमेशा रेशो आपको सीधे सीधे मिल जाए ये जरूरी नहीं है मे बी यू हैव टू डू सम मैनिपुलेशंस बिफोर रीचिंग एट द आंसर लिखिए यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर एट हाँ जी आप लिखिए ए एंड बी टुगेदर हैव A and B together have ₹1,210 if 4/15 of A's amount 4/15 of A's amount is equal to 2/5 of B's amount. How much amount does B have? How much amount does B have?
हाँ जी बोल दीजिए जिसका आंसर आ गया है। Anyone else? हाँ, first bench पे Faridkot boy. ₹484. हाँ जी, बरगाड़ी से boys on the first bench. बोलिए जी क्या करेंगे? आज तो मेरा ध्यान ज़्यादा है और काम में कम. दोनों में से खड़े हो जाइए कोई भी. Boys on first bench. उठ जा बच्चे, उठ जा. ये ऐसे ऐसे क्या करते रहते हो एक दूसरे को? हाँ, दोनों में से कोई सा उड़ जाओ. कोई बहुत मुश्किल चीज है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही बताने को? कान कून खराब है क्या, सुनता नहीं? दोनों खड़े हो जाओ. चल बोल बच्चा, ये इधर वाला लड़का दीवार से इधर वाला. बोल बेटा फर्स्ट स्टेप क्या करो? टोटल अमाउंट 12, 10, 4/5 ऑफ एज अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बीज अमाउंट. पीछे देखने को नहीं कहा, अपनी बुद्धि थोड़ी सी खर्च कर लो. ये टोटल अमाउंट कितने लोगों में डिवाइड करना है? दो लोगों में, ए और बी में. क्या मैं देख दूं ए प्लस बी दोनों का जो अमाउंट है इंडिविजुअली वो मिला करके 12, 10 होना चाहिए? हाँ जी. सेकंड जो दूसरा लड़का खड़ा है वो बताएगा इस कंडीशन को कैसे लिखूं. ये अगर ए का अमाउंट है, ये बी का अमाउंट है, तो मुझे क्या बोला? 4/15 ऑफ एज अमाउंट. क्या मतलब हुआ इसका? 4/15 ऑफ एज अमाउंट. 4/15 ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? 2/5 बी. तो यहां से क्या मेरे पास आ गया 2/3 ए इज इक्वल टू बी. बैठ जाओ सेकंड लास्ट बेंच पे जो दो बच्चे बैठे हैं बरगाड़ी में. बोल बच्चे आगे क्या करूं? मेरे पास एक है ए प्लस बी इज इक्वल टू 12, 10 और दूसरा है 2/3 ए इज इक्वल टू बी. व्हाट शुड आई डू नाउ? आगे आ जाओ बच्चे, पहले तो माइक के पास. शाबाश, ये दो ही क्वेश्चन है, जल्दी बोलो क्या करूँ. इतने से क्वेश्चन में इतना टाइम लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी? व्हाट द वैल्यू ऑफ बी इन दिस इक्वेशन ए प्लस 2/3 बी इज इक्वल टू 1210. ये साइड सॉल्व करके क्या आएगा जल्दी बता दे बेटा. सॉरी, ये साइड सॉल्व करके क्या आएगा बेटा? फाइव ए बाय थ्री इज इक्वल टू 1210. तो यहाँ से ए पता चल जाएगा बच्चे? यहाँ से ए आ जाएगा और ए प्लस बी 1210 है, तो फिर आप बी का अमाउंट निकाल सकते हो. चलिए चलिए सीट पे चलिए. क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए आप लोग. लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 इज ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इज 6 इज टू 7 इज टू 8. ए प्लस बी प्लस सी इज 14. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? You have to find the value of C. Thank you.
हाँ जी, बैलगाड़ी से किसने कर ली है? गर्ल्स फरीदकोट, गर्ल्स लास्ट बेंच पे, डोर वाली साइड पे, लास्ट बेंच से जो दोनों घट लड़कियां जो बैठी हैं उसमें से कोई सीट नहीं। फरीदकोट लास्ट बेंच डोर वाली साइड से एनी ऑफ द टू प्लीज स्टैंड अप। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मुझे बोलना नहीं आता, जो मैं बोलती हूँ वो कन्वे नहीं हो पा रहा है, वो समझ नहीं आ रहा। हाँ बच्चे बोलो, क्या करो? From where should I start? मुझे ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए की रेशो दी है, ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, सी चाहिए। फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट? व्हेन एवर रेशोज आर गिवन कैन आई अज्यूम दीज नंबर्स? बेटा बोलना जरा, ए प्लस बी को क्या ले सकती हूँ मैं? सिक्स। एक बात और बता दो जरा मुझे, अगर आपको दिया है ए बाय बी इज इक्वल टू टू बाय थ्री, is it a must that a has to be 2 always and b has to be 3 only? no ma'am. kya iske alawa kuch aur values bhi ho sakti hai? ho sakti hai na. so how you assume if a is to b is given to be 2 is to 3, do you assume that your numbers to be 2 and 3 only? how do you assume your numbers? multiples of 2 and multiples of 3, this is how we take, right? क्योंकि इफ आई टेक दिस हैज से 2x एंड दिस हैज 3x, अल्टीमेटली माय रेशियो विल बी 2/3। आई टेक 4/6, आई टेक 6/9, रेशियो इज 2/3। सो न्यूमरेटर का मल्टीपल द सेम मल्टीपल ऑफ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर इफ आई टेक, रेशियो विल बी मेंटेन्ड। चलो बच्चे बोलो, a + b को क्या लूं? बोल दो आप तो कुछ है? 6x। B प्लस सी को ले लिया 7x और C प्लस A को ले लेते हैं 8x। अब आगे बताओ क्या करो? आप बैठ जाओ, आपके पड़ोसी खड़े होंगे। चलो बच्चे आगे बोलो, व्हाट कैन आई डू नाउ? ये हाल देख लो तुम लोग अपना, और ये सब कुछ प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरीथिंग कम्स इन योर एनडीएससी एग्जाम। डोंट थिंक कि ये काम जो हो रहा है वो फालतू का काम है। एवरीथिंग कम्स इन योर, किसी टाइम पर किसी टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाता है, किसी ईयर में किसी टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल। चलिए ये कौन बताएगा? बैठिए आप। फरीदकोट से कौन बताएगा आगे क्या करूं? We can find x. For finding out x, what we have to do? We have to find x only. That is the only thing. If I can get these, a plus b plus c is known to me, I can get any value, a, b or c, whatever I want to. But what is the process? What is the procedure to get x? आपको a plus b plus c की वैल्यू मालूम है? क्या इसका यूज कर सकते हो? इन तीन इक्वेशंस को क्या कर दूं मैं? ऐड कर दूं? इफ आई ऐड दीज, लुक एट इट, विल आई गेट 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी एज कितना? 21x। ए प्लस बी प्लस सी इज नोन टू यू? 14। तो क्या यहां से x मिल जाएगा? क्या आ गया x? 4/3। सो आई कैन गेट द वैल्यू, मुझे c की वैल्यू चाहिए। अब बताओ मुझे क्या काम करूं कि मुझे c की वैल्यू मिल जाए? x तो आ गया 4/3। अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकाल लूं, a प्लस बी प्लस सी मालूम है, इफ आई कैन गेट a प्लस बी, आई विल बी एबल टू गेट c। व्हाट इज a प्लस बी? 8. So what is C? 6. A plus B from here will become 6 into 4/3. That is 8. A plus B 8 है,
So C will be 6. Try out question number 5. आप लिखिए जी बड़े स्टूडेंट्स. Question number 5 is the salaries of A, B, C. Salaries of A, B and C are in the ratio 2:3:5. If increments of 15%, 10% and 20% are allowed. If increments of 15, 10 and 20% are allowed in their salaries, what will be the new ratio of their salaries? What will be the new ratio of their salaries? How to proceed? Bargadi, corner wali side mein girls first bench pe dono mein se koi se uth jao. उठ जाओ कहां से स्टार्ट करूं? मुझे रेशो दी है सैलरीज की 2:3:5, फिर इंक्रीमेंट देने हैं 15, 10 और 20% के, जो न्यू सैलरीज हैं उनकी रेशो चाहिए. सो व्हाट शुड आई डू? रेशो विल लेंथ कॉमन रेशो एक्स. कॉमन रेशो एक्स, सो आई विल टेक 2x, 3x एंड 5x एज द सैलरीज. एक बात बच्चों ध्यान से यहां पर सुन लो मेरी, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आ गया, तो अपने कैलकुलेशंस को इजियर करने के लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2x, 3x एंड 5x, इफ आई टेक द सैलरीज टू बी 200, 300 एंड 500, माय वर्क विल बिकम इजी, कैलकुलेशन विल बिकम वेरी वेरी इजी, विल इट? सो व्हेनेवर यू हैव परसेंटेजेस इन्वॉल्वड इन योर क्वेश्चन, whether you are doing profit loss ka question, percentage ka question or ratio of percentage ka combination, assumptions aapki is tarah se kariye taki aapki calculation part bahut easy ho jaye. Baitho beta, if I take salaries to be 200 300 and 500, 200 ka 15% increment ho gaya to new salary will be 30 is the increment, so what will be the new salary? 230. 300 का 10%, 330 will be the salary now for this person. And what will happen for the third? 600. इसकी रेशो 23:33:60. So how easy you can make your questions, especially when you are doing multiple choice questions. So do remember this thing, whenever percentages are involved, try to take 100 as your value which you are going to let. उससे काफी आसान हो जाता है हमारा. Question number 7. Question number 7 says, लिखिए जी, a fraction which bears, you have to find a fraction which bears the same ratio. Which bears the same ratio to 1/27 that 3/11 does to 5/9.
I repeat. You have to find a fraction which bears the same ratio to 1 upon 27. That 3 by 11 does to 5 by 9. Actually, क्या आपसे मांगा जा रहा है? You want a fraction which bears the same ratio to 1 upon 27 as 3 by 11 does to 5 by 9, is it? तो कैसे निकालेंगे इसको? Product of extremes is equal to product of means. 5 by 9x is equal to 1 by 27 into 3 by 11. So what x will be? 1 upon 55. A option is your answer. 1 upon 55. Try out question number 12. आप लोग लिखिए. क्वेश्चन नंबर 12 इज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 735 वॉज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी. एन अमाउंट ऑफ रुपीज 735 वॉज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी. इफ ईच ऑफ देम If each of them had received rupees 25 less, their shares would have been in the ratio 1:3:2. 1:3:2. You have to find money received by C. Money received by C. Anji? सही आंसर आ रहा है? थोड़ा जोर से बोलो. फरीदपुर से आया था शायद आंसर. 245 इज करेक्ट. आंसर इज 245. हाँ जी, बताएंगे कैसे किया? फरीदकोट में जिसने आंसर दिया 245, प्लीज स्टैंड अप एंड टेल व्हाट हैव यू डन. कॉमन रेशियो इज एक्स. ओके, सो एक्स, 3x एंड 2x आर द शेयर्स ऑफ ए बी एंड सी. थोड़ा आगे आगे आके बोलो, मुझे सुनता नहीं. माइक के पास आ जाओ बच्चे. X माइनस 25. नहीं, यहाँ पर एक एक चीज में थोड़ा देखिए. आपको क्या दिया था? 1:3:2 इज द रेशियो. कब? जब उन्हें 25 लेस मिलते. तो इनिशियल रेशियो इज नॉट 1:3:2.
ट्राई टू अंडरस्टैंड हमें क्या बोला गया, इनिशियल रेशो नहीं दी गई, इनिशियल रेशो में कैसे डिवाइड हुआ, जब 25 लेस कर दिया गया देन द रेशो इज 1:3:2. हम इनिशियल रेशो 1:3:2 लेके चल रहे हैं और फिर आप उसमें से 25 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. आर यू गेटिंग व्हाट आई सेड? चलिए फिर गड़बड़ हो गई. आंसर इज करेक्ट ऑल्दो. चलिए शिक्षा की सीट पे चलिए. हाँ बोलिए, कोई और बोलो. आपको बोला गया, टाइम हो गया, 2 मिनट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. 25 लेस टू ईच मतलब एक्चुअल डिवीजन कितने की हुई, 735 माइनस 75 तो कितने रुपए की डिवीजन हो रही है, 660. दिस 660 इज बीइंग डिवाइडेड इन दिस रेशियो. सी का शेयर चाहिए 2/5 और 6 × 660 220 इस रेशो के हिसाब से. लेकिन ये कब आई, 25 लेस करके, सो एक्चुअली कितना मिला था, दिस प्लस. आई रिपीट, 25-25 लेस मिले, 75 लेस कर दिए टोटल में से, जो बच गया वो इस रेशो में डिवाइड हो रहा है. इस रेशो में डिवाइड करके सी का शेयर निकाला और उसमें 25 और ऐड कर दिया, क्योंकि एक्चुअली 25 ज्यादा मिलते हैं. That's all for today. अगली क्लास में आप लोग ये असाइनमेंट साथ में लेके आएंगे. इसमें से थोड़ा सा काम करने के बाद विल स्टार्ट विद द रिक्वायरमेंट टू द लीड्स. ओके स्टूडेंट्स.